भाई मनोज में तो आज हम बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे कल बोला था कि कुछ हार्ड क्वेश्चन लेके आओ, तो आज सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि डेली के इसी तरह के टेस्ट है वो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता जाए। तो विकास प्रजापति है, राम राम जी। तो यहाँ पे टेस्ट की बात आती है कि टेस्ट का टाइम क्या है, तो टेस्ट का टाइम है वो 5:20 का टाइम है, यानी 5:20 पे स्टार्ट हो जाता है। बाबू गुड इवनिंग सर। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो प्रियंका सारस्वत गुड इवनिंग। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन की, आज सबसे ज़्यादा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, खुद लिखे हैं अभी तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी ये क्वेश्चन लेकिन है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पे है कि मंजू शुक्रिया गुड इवनिंग, आप सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और आप सभी कैसे हो वो कमेंट करें, आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो। आगे क्वेश्चन की बात चलते हैं दोस्तों। तो डेल डेल गोल्ड सेमा क्लोन प्रजाति है। श्याम राम अनिल राम राम गुड इवनिंग। ध्यान से क्वेश्चन देखिए कि डेल गोल्ड सेम। सर मैं बढ़िया हूँ गुड इवनिंग, राज मनोज ए आंसर दिया है। डेल गोल्ड सेमा क्लोन प्रजाति है, आम की है या तंबाकू की या अंगूर की या शक्करकंद की। तो यहाँ पे आंसर की कमेंट करो दोस्तों कि जो आपका आंसर है वो क्या होना चाहिए। नरेश एग्जाम कब है, और मनीष कुमार गुज्जर गुड इवनिंग। तो इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, जैसे लास्ट में हर बार वीडियो के लास्ट में बात करते हैं उसी तरह। नरेश जी रघुनाथ उज्ज्वल गुड इवनिंग, आशीष कुमार गुड इवनिंग। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसके क्वेश्चन है वो नीतू चौधरी बी। आज देखते हैं जिन जिन की तैयारी है अच्छी, तो आज सभी के लिए उनके लिए आज क्वेश्चन है। कल किसने बोला था, मनोज नाम से बोला था कि सर हार्ड सभी को हेलो हाय गुड इवनिंग। तो यहाँ पे देखिए कि डेल गोल्ड सेमा क्लोन प्रजाति है, किसकी है, आम की, तम्बाकू की, अंगूर की या शकरकंद की। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है कुछ आम के आ रहे हैं, कुछ तम्बाकू के आ रहे हैं, सुनीता मीणा और मनोज काशवन। तो राइट आंसर है आपका तम्बाकू है। तम्बाकू की जो किस्म है वो से यानी कि डेल गोल्ड सेमा क्लोन होगी। शिवराज हेलो हाय। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है उन सभी के राइट आंसर है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि धान में कितने पुकेसर होते हैं, धान के अंदर कितने पुकेसर होते हैं, 6, 5, 8, 10। तो कितने यानी कि कितने पुकेसर होते हैं धान के अंदर। विक्रम विश्नोई गिरधारी और ब्लीजिंग सीमा। तो यहाँ पे समझता चंद्रपाल सुरेश। तो राइट आंसर दिया है आप सभी ने। तो यहाँ पे ध्यान की जो पुकेसर है, हाँ एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बात बताएंगे, एक बार थोड़े क्वेश्चन कर लें दोस्तों, तो फिर वो एग्ज़ाम वाला थोड़ा सा अलग से टॉपिक है, थोड़ा अलग से कर लेंगे। तो यहाँ पे हाँ एंथर्स पूछे गए हैं, तो एंथर कितने होते हैं, तो एंथर यहाँ पे सही है, 6 एंथर पाए जाते हैं धान के अंदर। आगे बात आती है कि विग्ना रेडिटिया में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। विग्ना रेडिटिया में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 22, 42, 24, 48। तो यहाँ पे विग्ना रेडिएटा है वो किसका बोटनिकल नेम है वो, और साथ में इसका यानी कि इसका आंसर 3 नंबर का आंसर यहाँ पे इतना बता देता हूँ, विग्ना रेडिएटा है वो मूंग का बोटनिकल नेम है, और इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या है श्याम राम, राइट आंसर दिया है, 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि मूंग के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो 24 पाए जाएंगे। और इससे रिलेटेड आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे वो किसी का भी एग्ज़ाम हो, सुपरवाइज़र का हो या WO या ZICR का, किसी का भी हो। आगे बात होती है कि विंटर बनना बनाना, ध्यान से देखना कि विंटर बनाना प्रजाति है, सॉरी प्रजाति लिखा है, प्रजाति केला की है, चीकू की है या सेब की है या इनमें से कोई नहीं। ओके वेलकम। तो यहाँ पे सेब का महेंद्र अमित चंद्रपाल, तो राइट आंसर है विंटर बनाना है वो सेब की प्रजाति है।
तो यहाँ पे सी आंसर दिया है, उन सभी के राइट आंसर है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि धनिया होता है, धनिया किस प्रकार का यानी क्रॉप्स होती है, सेल्फ पोलिनेटेड होती है या ब्रैक क्रॉस होती है या क्रॉस पोलिनेटेड होती है या नॉन, यानी कि किसी भी प्रकार का क्रॉस या पोलिनेशन नहीं होता। तो 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे सी बी, तो राइट आंसर जिनकी तैयारी है वो तो राइट आंसर देंगे। अमित कुमार यहाँ पे राइट आंसर है आपका, और क्रॉस नहीं, रघुनाथ जी राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेटेड पाएगा, धनिये के अंदर क्रॉस पोलिनेटेड पाया जाता है, और यहाँ पे बैक क्रॉस ये कन्फ्यूजिंग करने के लिए डाला गया, और सेल्फ पोलिनेटेड तो होगा ही नहीं, यानी कि सेल्फ का क्रॉस का मतलब होता है, क्रॉस समझ गए हो आप, बताने की क्या ज़रूरी है, हिंदी में भी क्रॉस पोलिनेटेड लिखा होता है। आगे बात आती है कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है, आलू है, गेहूं है, दोनों है या तंबाकू है, यानी कि यहाँ पे दोनों पूछा कौन सी यानी कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल थी। तो यहाँ महेंद्र शिवराज अमित तो राइट आंसर है आप सभी के, डी आंसर है तंबाकू। तो छः नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो आप सभी का राइट आंसर होगा, तंबाकू है वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, तो पहली धान की संकर प्रजाति किसने विकसित की थी, धान की प्रथम जो संकर प्रजाति है उसके बारे में पूछा गया है। हाँ 1981 में, ठीक है, तो जोहनसन या वाई एल पिंग ने या मेंडल ने या फ्रेलिली ने, तो यहाँ पे महेंद्र विकास प्रजापति और अमित ने बताया है वाई एल पिंग ने, तो राइट आंसर आप सभी के वाई एल पिंग है, जो चीन के रहने वाले थे, उन्होंने जो धान की प्रथम प्रजाति थी संकर उसका विकास किया गया था। आगे बात आती है सम्राट न्यूनतम किस्म है, नवीन यानी कि सम्राट है वो नवीनतम किस्म किसकी है, चना की है, मटर की है या मोठ की है या मूंग की है, यहाँ पे पूछा गया, मैंने 8 का पूछा है दोस्तों। सम्राट सम्राट नवीनतम किसकी किस्म है, ए ग्राम ए। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आज आप सभी के गलत है, ये क्वेश्चन मैंने कन्फ्यूजिंग करने के लिए जान करके डाला था, वहाँ पे आपने सम्राट सुना है, यहाँ पे सम्राट नवीनतम लिखा है आगे, मैंने पूरे के नीचे लाइन की थी सम्राट नवीनतम, तो सम्राट है वो तो चने की है लेकिन नवीनतम है वो मूंग की है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन जिन्होंने दिया है, मंजू शुक्रिया ने राइट आंसर दिया है यहाँ पे, तो जिनका डी आंसर है उन सभी का राइट आंसर होगा। अजब कुमार राइट आंसर यहाँ पे डी आंसर दिया। आगे बात आती है कि आजाद प्रजाति है यानी कि आजाद किस्म है या प्रजाति है वो किसकी है, भिंडी की है, मक्का की है या जौ की है या टमाटर की है, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करें दोस्तों कि क्या होगा, यानी कि आजाद प्रजाति है वो किसकी है कुल। तो यहाँ पे अमित कुमार ने जौ बताया है, और अदर देखते हैं किसके क्या क्या आंसर आते हैं। तो यहाँ पे एक ही जने ने राइट आंसर बताया है, जो हार्डियम वल्गेर, उसका राइट आंसर सी होगा, अमित कुमार का राइट आंसर है यहाँ पे लेडी फिंगर। लेडी फिंगर तो केले की प्रजाति है, यानी कि केले की होती है, और लेडी फिंगर भिंडी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आज़ाद पूछा गया तो आज़ाद है, आज़ाद क्रांति वो भिंडी की होती है, लेकिन आज़ाद की पूछा गया तो आज़ाद है विकास प्रजापति जी। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से, आज़ाद बोला गया मैंने, ना कि आज़ाद क्रांति बोला है, आज़ाद सिर्फ ओनली आज़ाद, आज़ाद किसकी प्रजाति है तो वो जो की है, हार्डियम वल्गेर की, इसका मेरे पास में प्रूफ भी है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ इसका, तो आज एक्यूरेट सही है, आप इसमें गलत नहीं कुछ नहीं बता सकते। तो जिनका सी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जितने लाइव है प्लीज़ लाइक करो यार दोस्तों, लाइक नहीं किया आप सभी ने। 10 नंबर है कि देसी कपास का वानस्पतिक यानी बोटनिकल नेम क्या है, गोसिपियम स्पीसीज होगा या गोसिपियम आर्बोरियम होगा या गोसिपियम हिर्स्यूटम होगा, डी नॉन यानी कि कोई नहीं इनमें से, तो यहाँ पे कुलदीप ने बी आंसर दिया है, ब्लीजिंग सीमा
अजब कुमार और राज मनोज राइट आंसर है। गोसिपियम आर्बोरियम है, वो देसी कॉटन का बोटनिकल नेम है। और सी नंबर है गोसिपियम हिरसुटम है, वो अमेरिकन कॉटन का नाम है। तो यहाँ पे क्या है कि तीन दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये तो सिर्फ स्पीशीज़ का, यानी कि तीन ये दोनों स्पीशीज आती है इसलिए स्पीशीज़ का बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी है, सियाम, ब्लीजिंग सियाम। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, जिनका बी आंसर दिया। आगे बात करते हैं, पूसा कोमल प्रजाति है, तो पूसा कोमल किसकी प्रजाति है? लोबिया की है, भिंडी की है, या अमरूद की है, या सनई की है? तो पूसा कोमल का पूछा गया है यहाँ पे, प्रजाति या किस्म। हाँ मंजू, शुक्रिया, नाम लिया, ले लेंगे आगे। यहाँ पे राज मनोज ने ए आंसर दिया है, ए रघुनाथ, राज मनोज, अजब कुमार राइट आंसर है। आप सभी के 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो लोबिया, यानी कि लोबिया का, लोबिया की किस्म है पूसा कोमल। तो यहाँ पे आगे होगा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में करते हैं कि नर तथा मादा दोनों ही एक ही, यानी कि ध्यान से सुनिए कि नर तथा मादा दोनों ही एक ही प्लांट पे फूल धारण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? परपरागण, स्वपरागण, डायोसिस या मोनोसियस? क्या कहा जाता है उन प्लांट्स को जिनके अंदर एक ही प्लांट के ऊपर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपके आंसर किसी के सही नहीं आए हैं, प्लीज़ कमेंट ध्यान से करके, क्वेश्चन सही कैसे घुमा के दिया हो, लेकिन मैंने आपको बोलने में और बताने, यानी लिखने में और बोलने में कुछ बताया। श्याम ने राइट आंसर दिया है, यहाँ पे मोनोसियस यानी कि उभयलिंगी प्लांट होंगे। राज मनोज, विकास, बाबू, तो राइट आंसर है यानी मोनोसियस होगा या उभयलिंगी। तो यहाँ पे इंग्लिश में है मोनो, उभयलिंगी को मोनोसियस कहा जाता है, तो इसलिए मैंने मोनोसियस लिखा है। ब्लीजिंग, विकास, मनदीप, तो राइट आंसर है यहाँ पे। आगे बात करते हैं कि मिश्रित कृषि में सकल फार्म आय का पशुधन में योगदान होता है, यहाँ पे कितना परसेंट होता है? कम से कम 10%, 10 से ज़्यादा, 15% से कम, या 30%? परपरागण और स्वपरागण, स्वपरागण एक ही पौधे में होता है, परपरागण एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होता है, मोनोसियस एक ही प्लांट के ऊपर नर व मादा दोनों प्लांट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आंसर सोच समझ के दो दोस्तों, कि मिश्रित खेती, एक तो देखिए मिश्रित खेती कृषि पूछा गया या मिश्रित खेती जो भी, उसमें सकल फार्म आय के पशुधन का योगदान होता है। तो यहाँ पे आंसर किसी का सही नहीं आया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो और फिर आंसर दिया करो दोस्तों। आज का ये थोड़ा सा कि जिनकी तैयारी अगर अच्छी है तो उनके लिए इजीली होगा, अगर नहीं तैयारी भी है ना, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज तो थोड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन कल इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो वो उनके आंसर देते रहना आगे नेक्स्ट में। अगर किसी के बारे में अगर किसी को डाउट लगे तो श्याम, राम और नारायण लाल प्रजापति राइट आंसर दिया है, ए आंसर होगा, तो मुझे कमेंट करके बोल सकता है कि गलत क्वेश्चन है, लेकिन राइट आंसर होगा कि जो पशुधन के अंदर योगदान होता है वो कम से कम 10% का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, 10% का ही होता है। आगे बात आती है कि एनाकार्डियसी कुल है, नेमचंद कुमावत हेलो हाय, तो चीकू की, सॉरी चाकू लिखा है इसमें, लिखने में मिस्टेक कर दिया, और आम, काजू या बी सी दोनों? तो यहाँ पे क्या होगा, चीकू होगा दोस्तों, ये इसमें लिखा गया है, चाकू गलती से लिख गया। एनाकार्डियसी कुल है वो किसका है? तो आप सभी का आंसर यहाँ पे बी आ रहा है, तो आपको बता देता हूँ दोस्तों कि बी आंसर भी आप सभी का सही है, बट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। आंसर सही होगा वो डी होगा, क्योंकि काजू है वो भी, उसका कुल भी एनाकार्डियसी होगा। तो यहाँ पे मनदीप को ने राइट आंसर दिया है डी, तो बी और सी दोनों होगा, क्योंकि काजू और आम का कुल है वो एनाकार्डियसी है, इन दोनों का भी होगा। अमित कुमार राइट आंसर है, तो यहाँ पे आप सभी ने आज अच्छे आंसर दिए हैं। हाँ ओके, आगे बात करते हैं, कुछ मेज का टॉपिक है यहाँ पे, मेज यानी मक्का के बारे में बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा। हाँ मंजू, शुक्रिया, उनका भी सही है, ओके ठीक है। तो मेज का अगर बोटनिकल नेम पूछा जाए तो दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि ये टॉपिक आपको समझाने वाला है, इससे क्वेश्चन आता है एक पक्का श्योर आता है, हर एग्जाम के अंदर आता है, इसको समझा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान लेके समझना कि
मेज का बोटनिकल नेम है जिया मेज, और इसका कुल है वो ग्रेमिनी और मेक्सिको। तो यहाँ पे एक ट्रिक से बताता हूँ आपको कि मक्का का जो उत्पत्ति स्थल है वो कैसे याद करोगे। तो हरी किशन जी एक मिनट रुकिए, आपको बताऊँगा। तो मक्का का वो कैसे होगा कि आगे मैं लगा है और इसके भी मैं लगा है, तो मैं से मक्का और मैं से मैक्सिको, तो इस तरह से उसका ओरिजिन पहले से याद हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि मक्का के अंदर अंदर अलग अलग से वेराइटियाँ जो क्या कहते हैं अलग अलग डिफरेंट है। यहाँ पे फर्स्ट के अंदर आता है फ्लिंट कॉर्न, डिप कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न, पॉड कॉर्न और वैक्सी कॉर्न। ये तो 100% ही आता है। हाँ अमित जी, यहाँ पे आता है, श्योर आता है इसमें से, चाहे वो BSc कर रहा हो, चाहे MSc कर रहा हो, चाहे कोई भी हो, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ पे देखिए कि फ्लिंट कॉर्न का अगर नाम पूछा जाए, अगर आप लोग ये समझोगे तो कल मैं ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नेट धीरे चल रहा है। तो आगे इसी में से कल दो क्वेश्चन रखूँगा, तो आप लोग इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो फ्लिंट कॉर्न है वो क्या होगा, यानी कि इसका बोटनिकल नेम है जिया मेज इंडुराटा, जिया मेज इंडुराटा। डेंट कॉर्न का है वो क्या होगा, डेंट कॉर्न का पूछा है तो जिया मेज इंडेंडाटा बोटनिकल नेम होगा। तो आज का पता नहीं इसका बारे में, रुको एक मिनट। पॉपकॉर्न है जिया मेज एवर्टा, उसके बाद में है स्वीट कॉर्न है जिया मेज सेकेराटा, और सॉफ्ट कॉर्न यानी कि सॉफ्ट कॉर्न का बोटनिकल नेम क्या है, जिया मेज एमाइलेसिया, और पोड कॉर्न क्या होता है कि जिया मेज ट्यूनिकेटा, और वैक्सी कॉर्न है जिया मेज सीरेटिना कुलेटा, सीरेटिना कुलेस। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँगा कि आपको बता देता हूँ कि स्वीट कॉर्न का बोटनिकल नेम क्या है, 1 2 3 चार, चार ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे स्वीट कॉर्न का बोटनिकल नेम बताइए दोस्तों। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा, आप प्लीज़ जितने भी लाइव हो इस कम क्वेश्चन का कमेंट करें कि स्वीट कॉर्न का बोटनिकल नेम क्या है। यहाँ पे फर्स्ट में ये है, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो अगर जिन्होंने अच्छे से देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो कि इसका जिया मेज सेकेराटा, बाबा MP3, मनोज और गिरधारी, लखनऊ, बाबा विकास। तो सही है आप सभी का दोस्तों, आपने अच्छे से ये ध्यान से दिया, स्वीट कॉर्न का बोटनिकल नेम है जिया मेज सेकेराटा, तो आप सभी का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आज का टेस्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, लेकिन फिलहाल बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट का है दोस्तों, कोई किसी को कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ तक आज अभी तक तो यही पता है कि 12 अक्टूबर को आचार संहिता लगेगी। तो 12 अक्टूबर को आचार संहिता लगेगी, तब तक तो कई मैसेज वायरल हो रहा है कि सर उसके अंदर एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा दोस्तों कि भले ही एग्ज़ाम कैंसिल हो या ना हो, तो सिर्फ हमारा अगर मिशन है कि सुपरवाइज़र बनना, तो हम लोग सुपरवाइज़र की तैयारी करेंगे। अगर आज लोग, कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा से लाइव क्लास ले लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग ये समझोगे कि मैं भी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, 3 महीने तैयारी घर पे जाऊंगा, 3 महीने बाद में जब सुपरवाइज़र की डेट निकल जाएगी तब तैयारी करूंगा, अगर ऐसा रहा तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। श्योर कह सकता हूँ, जो बंदा सुपरवाइज़र की तैयारी करना चाहता है, तो मैं उनको, मेरे लिए, मेरी तरफ से तो यही गाइड्स करूँगा कि आप लोग तैयारी को कंटिन्यूज रखो, और जिस मिशन के लिए अगर आप लोगों ने तैयारी भी छोड़ दी तो ऐसे समझ लेना सुपरवाइज़र बनना मुश्किल है। तो यहाँ पे बात आगे बात होगी, हाँ USA अमेरिका में उगाई जाती है, आज ही लग गई सर आचार संहिता। तो आचार संहिता का मुझे अभी तक नहीं पता, मुझे तो यही पता है कि आचार संहिता आप लोग ही बता रहे हो कि आचार संहिता लग गई, तो मैंने इसके बारे में, आचार संहिता के बारे में नहीं सुना सर जी। तो यहाँ पे IBPS की क्लास है वो सर
यहाँ पे बात करते हैं, IBPS की क्लास है वो आपको बता देता हूँ, सुबह मॉर्निंग के टाइम 7 बजे दिल्ली के IBPS SO की क्लास लग जाया करेगी दिल्ली की। तो आज अगर आपको अच्छी लगी है तो ठीक है दोस्तों, आज अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। आप ये मत सोचना कि राइटिंग इनकी तो ऐसे है वो ऐसे है, राइटिंग पे कभी भी मत जाना, आपको मैं ये बता दूँ। ये सर आप राइट कह रहे हो, ठीक है ओके मनदीप जी, मार्च में होगा या नहीं तो अभी मैं दोस्तों कह नहीं सकता। सर आप सही बोल रहे हो कि लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं लेगी तो मंजू शुक्रिया जी, अगर वैकेंसी निकाली है तो वो एग्ज़ाम ज़रूर लेगी, ऐसी बात नहीं है। फॉरम कब भरेगा? फॉरम तो राज मनोज जी इसका फॉरम तो भरा गया और IBPS का अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जब भी होगा तब आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, अब हमारे साथ कंटिन्यूज बने रहें। हाँ ये सही बात है कि अगर आप लोग कंटिन्यूज बने रहोगे, एग्ज़ाम कभी भी हो तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। और गिरधारी जी पूछ रहे हैं तो आपको मैं थोड़ा वेट कीजिए, उसके बारे में बता दूंगा, या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। क्या लिखा है? AB सीट प्लस हो सकता है, अभी सीट यानी समझा नहीं मैं। दीपक कुमार मनोज क्या लिखा है? ओके थैंक यू मनोज जी की राइटिंग से कुछ नहीं होता है। हाँ कुछ लोग क्या होते हैं कि राइटिंग देखते हैं और नीचे कमेंट करते हैं कि तेरी तो आई राइटिंग ऐसे नहीं है वो ऐसे है, तो यहाँ पे तो वो आपने मेरे लिए इतना सोचा तो थैंक यू। आगे दोस्तों एग्ज़ाम ज़रूरी होगा, हाँ एग्ज़ाम ज़रूर होगा सर, आपसे तैयारी नहीं करवाते। हाँ SO की तैयारी है वो, मैं आपको दिल्ली के 7 बजे क्लास यानी कि मॉर्निंग के टाइम में 7 बजे क्लास अपलोड कर दिया करूँगा, तो आप लोग उसको कर लीजिए। IBPS के लिए BSc एग्रीकल्चर होना अनिवार्य है। और राम राम जी मार्च में बोल रहे हैं तो किसी का पुत्ता नहीं है, सभी को वेलकम विकास प्रजापति, बस आपसे मॉडल मॉडल बना मनोबल बना रख। हाँ अमित कुमार जी ने बोला है कि मनोबल है वो बनाए रखो, अगर मनोबल तोड़ दिया तो आप फिर किसी लायक नहीं बचोगे, तो मनोबल अगर बना रहेगा तो तैयारी भी अपनी कंटिन्यूज बनी रहेगी। सर टेस्ट में आगे बढ़ाओ, तो टेस्ट था उसके अंदर मैंने इतने क्वेश्चन थे, आज थोड़े से रखे थे कुछ काम हो गया था दोस्तों तो इतने ही क्वेश्चन रखे, तो सर साथ में बने रहो। ओके एग्जाम हैंडराइट सही है, ओके ठीक है ग्रुप में जोड़ दो। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है आपको बता देता हूँ दोस्तों कि 810-790-799-53-40, तो आप मुझे मैसेज कर देना। एक आपको बता देता हूँ कि आप लोग जो भी मैसेज करें अपना नाम एड्रेस और स्टडी में क्या करते हो या आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसका नाम लिख के भेज देना, मैं आगे जिसका भी नाम सेव करूँ तो उस कॉलेज के नाम से और जहाँ से बिलोंग करता है उसका लिख दूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे कर सकते हो सर। रेटिंग में क्या लिखा है? सर आप मस्त हो ये दारी जी, थैंक यू। और सर जल्दी आप पास एग्रीकल्चर के कौन सी सही बुक है? मेरे पास में तो 4-5 बुकें हैं, अब कौन सी बुकों का आपको नाम बताऊं मैं? सभी यानी कि जो मेरे पास में जितनी भी बुकें हैं उन ऑल राउंड बुकों से क्वेश्चन उठा के आपको देता हूं, और जो भी टेस्ट करवाता हूं उसमें क्या है कि टेस्ट में से क्वेश्चन सभी के उठा के फिर आपको करवाता हूं। यहाँ आपको कई बार देख लेना कि अगर किसी भी बुक में मेरे वाले क्वेश्चन मिल जाए, आप लोगों को पता होगा कि मैंने 2 दिन नेमराज जी की बुक से करवाए थे, तो आप सभी ने नीचे कमेंट किए थे कि ये तो सुंडा सिंह की बुक का PDF है या वो है ये है, तो मैंने उसके बाद में दिमाग से निकाल दिया कि किसी बुक से PDF नहीं उठाऊंगा, मैं खुद के अपने तैयार करूंगा। ओके वेलकम योगेश जी, हाँ ओके मंजू शुक्रिया जी। तो यहाँ से सर यह वीडियो डाउनलोड नहीं होता, तो लाइव वाली वीडियो कभी भी डाउनलोड नहीं होती, और इसका जो है हम कुछ कर भी नहीं सकते कि डाउनलोड कर दें, तो वो खुद यूट्यूब पे बात होती है कि यूट्यूब डाउनलोड करने देगी या नहीं होगी। एजी के इंटरेस्ट के लिए कौन सी बुक? एजी के UG के लिए पूछ रहे हो या PG के? कन्हैया कुमार जी तो
यूजी या पीजी एग्ज़ाम के लिए पूछ रहे हो बुक, सर कौन सी बुक बता दो। तो बुक है वो मेरे पास में यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की है अलग है, और एनिमल हस्बेंड्री की अलग है, और मिक्स में है, बहुत सारी बुकें हैं। अब दोस्तों किस किस की बताऊँ आपको, कि अलग अलग नाम बताना पड़ेगा कि इसकी ये राइटर की है और इसकी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर, बुक का नाम, अब दोस्तों उसके ऊपर बुक का नाम है वो तो औषधि है, प्लांट्स है, और किसी अदर बुक है उसके लिए, यूजी के लिए। तो यूजी के लिए दोस्तों काफ़ी सारी बुकें हैं, उसके लिए मैं क्या पर्सनल बताऊं, जैसे बहुत सारी आती है यूजी के लिए, आईसीआर के लिए भी आती है। और नहीं अमित कुमार जी लाइव नहीं आऊँगा आज, क्योंकि क्या है कि 8:30 बजे नेटवर्क में काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहती है। कोई एक तो बता दो। तो आपको 1 सेकंड रुकिए, आपको मैं मेरी बुक दिखाई देता हूँ आपको, औषधीय प्लांट की। यहाँ पे औषधीय प्लांट की मेरी बुक है, वो देखना पड़ेगा कहाँ पे है। तो दोस्तों कल वाली वीडियो होगी ना, उसके अंदर आपको दिखा दूँ, ये मिल गई एओ की कौन सी बुक है। तो एओ के लिए आपको मैं कल वाली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने पूछा है तो आपको ये देख लीजिए दोस्तों, आपको नाम दिख गया होगा, ये बुक पर एग इसकी है, क्या नाम है, औषधीय बागवानी व औषधीय सुगंधित है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हिसराज में ले रहा हूँ। तो मेरे कहने से तो जो आपकी मर्जी है, आपको अच्छी लगे तो ले लेना, क्योंकि इसके अंदर सारी क्रोपें हैं, आपको दिखा भी दे सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं अलग अलग से क्या इसमें डिफरेंट करने वाली क्या है, ये नारियल, कॉफ़ी, काजू, चाय, सुपारी सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा गिरधारी जी, आप प्लीज़ पर्सनल मेरे से कॉन्टेक्ट करना, फिर बात करेंगे। चलो ओके दोस्तों, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, थैंक यू सभी को, वेलकम। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी, और जिनको मैंने किसने मुझे ग्रुप में ऐड किया था उनको तो मेरे लिए मोस्ट वेलकम, क्योंकि उन वो चाहते हैं कि मैं भी उनके ग्रुप में ऐड हों, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हो जो मेरे नंबरों को अपने ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं। सर हिंदी में क्या पढ़ेंगे, हिंदी के बारे में मैं आपको बता दूंगा कल वाली वीडियो के अंदर, कौन सी मैं बुकें पढ़ता हूँ और सब कुछ कल वाली वीडियो में पूरा डिटेल से बता दूंगा। ओके दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं।